गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और टाइम हो गया है सुबह के 8:35। वैसे तो रेडी हूँ बिल्कुल, तो बस अभी चाय पीनी बाकी है, फिर निकलेंगे ड्यूटी के लिए। और एक कुरियर मैंने मंगवाया था, वो कल ही आ चुका है वैसे, लेकिन अभी मैंने ओपन नहीं किया है, तो अभी उसको ओपन करूँगा, दिखाऊँगा आपको उसमें क्या है, कहाँ से आया है, ये सारी डिटेल आपको बताऊँगा। देखो ये है अपना कुरियर, ये मत सोचना कि इसमें ये है, और ये आया है यहाँ से, डॉक्टर रवि कुमार MD हैं ये आयुर्वेद से। जो मेरे को पथरी का दर्द हुआ था ना, आपने व्लॉग देखा होगा, तो उसकी मैंने मेडिसिन इनसे मंगवाई है काफ़ी। वैसे तो ये मेरे जूनियर हैं, मैं जानता हूँ इनको, मतलब ये मान लो कि 8-9 साल से जानता हूँ, काफ़ी अच्छा काम ये अभी कर रहे हैं। दिखाऊंगा आपको इसमें मेडिसिन क्या है, और एक चीज और मैंने मंगवाई है नोनू के लिए भी। तो ये है मेडिसिन, वैसे वो नॉर्मली मेडिसिन भेजने की कह रहे थे, और उन्होंने कहा था कि आप डोज बना लेना, लेकिन फिर मैंने उनको बोला कि नहीं प्लीज आप ही भेज दो ऐसे बना बनो के पूरी चीजें, तो उन्होंने पूरी डोज बना के ही मेरे को भेज रखी है सारी। 20 दिन की ये पूरी डोज है, और एक ये मंगवाई है मैंने नोनू के लिए, ये ड्रॉप्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा आपको बाद में। एक चीज़ और मेरे को काफ़ी अच्छी लगी कि पैकिंग देखो कितनी अच्छे से करी हुई है उन्होंने, ताकि ये गिर ना जाए। ले लो बेटा ले लो। तो अगर आपको भी किसी चीज़ से रिलेटेड अगर आयुर्वेदिक कंसल्टेशन चाहिए, तो आप इस नंबर पर उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। दे दे नानी को ये दवाई, चलो नोनू बताएगा कैसी लगी। कैसी लगी नोनू, अच्छी थी, टेस्टी थी हैं? हाँ, तो ये टेस्ट में तो वैसे अच्छी होती है, क्योंकि इसमें मोस्टली शहद होता है, और शहद में कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, और स्वर्ण भस्म होती है, तो स्वर्ण भस्म के फायदे तो ऑलमोस्ट आप में से शायद पता ही हो, और बाकी जो आयुर्वेदिक ड्रग्स इसमें होती हैं, मेडिसिन होती हैं, उनके भी काफ़ी अलग अलग फायदे हैं। तो ज़्यादा डिटेल में तो आप डॉक्टर रवि से ही पूछ सकते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करके। पहले भी वैसे मैंने ये मंगवाई थी नोनू के लिए, लेकिन उस टाइम तो मैं वीडियो नहीं बनाता था, क्योंकि ये एक जो छोटी सी पैकिंग है ना, ये बहुत ज़्यादा टाइम चल जाती है। पिछले वाली तो ये मान के चलो कि 6 महीने के आसपास चल गई थी, क्योंकि उस टाइम तो नोनू छोटी थी ना, तो एक ही ड्रॉप देनी होती थी। अभी भी एक ही दे रहे हैं, कुछ टाइम बाद शायद 2 ड्रॉप करनी है, जैसा कि उन्होंने बताया था, जैसा वो कहेंगे फिर वैसे ही करेंगे। तो ये 700 रुपये की पड़ी है वैसे ये, और इसमें 2-3 अलग अलग आती हैं, शायद कोई 400-500 की भी है, एक महंगी 1400-1500 रुपये की भी है। उसमें सिर्फ स्ट्रेंथ का डिफरेंस है, तो वो एज के अकॉर्डिंग ही देते हैं वो, तो नोनू की एज के हिसाब से अभी यही 700 रुपये वाली ही चल रही है। इसमें 1 mg है पर ड्रॉप में, जैसा कि उन्होंने मेरे को बताया था। तो मतलब ये है कि ये कॉस्टली भी नहीं पड़ती है, ये मान के चलो कि ये 700 रुपये की 6 महीने चल गई थी, तो ये मान के चलो 100-110 रुपये इसकी पर मंथ की कॉस्ट पड़ी है। नीचे मत डालो इसको, नीचे ना डालो। और अब टाइम आ गया है इन सारे बैलून्स को उतारने का। वैसे तो नोनू ने ज्यादातर उतार ही दिए हैं। और एक चीज बताना, आप में से किसी को पता हो तो पूछता हूँ। अभी देखो, कुछ हमने ये सेलो टेप से चिपकाए थे, और कुछ हमने चिपकाए थे इससे, ये मतलब गोंद टाइप की आती है एक बलून चिपकाने के लिए, लेकिन ये भी अच्छी नहीं लगी। चिपकते तो अच्छे हैं इससे पर, लेकिन ये फिर ऐसे उतार देती है दीवार को, देख रहे हो। उतारती तो खैर ये भी है, सेलो टेप भी देखो ऐसे पपड़ी सी उतार देती है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही पूरा खींच देती है। जैसे ये देखो, ये यहाँ पे है, इसी से चिपके हुए हैं। अब देखना, इसको आराम से उतारूंगा फिर भी ये उतार ही देगी। देखो ये ऐसे उतार देती है, इसलिए ये भी सही नहीं लगी हमें। और ये वाले बैलून भी उतार देते हैं,
मोस्टली बैलून नोनू ने उतार दिए पहले ही। और एक चीज और है कि हमने क्या गलती करी कि बैलून है हमने बहुत ज्यादा बड़े बड़े फुला दिए। जैसे इन दोनों में डिफरेंस देख रहे हो आप, ये कितने बड़े लग रहे हैं, ये साइज बिल्कुल सही है, इतने फुलाने चाहिए, लेकिन हमने मैक्सिमम बैलून फुला दिए थे, वो इससे भी बड़े थे ये। तो अभी जैसे इनकी हवा थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि 4-5 दिन हो चुके हैं ना, ये फिर भी सही साइज है। हमने बाद में इतना दिमाग लगाया कि ये ज़्यादा बड़े हो रहे हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप कभी भी बहुत ज़्यादा बड़े मत फुलाना, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। और मतलब एक ठीक सा साइज़, मीडियम सा साइज़ सबसे बढ़िया रहता है। हमने ये चीज़ बाद में सोची जब मैक्सिमम हम फुला ही चुके थे। और एक चीज़ और बताना, जैसे आपने दीवारों का देखा ना क्या हाल हो जाता है, सेलो टेप से भी पपड़ी सी उतर जाती है, और जो दूसरी वो गोंद आती है वो तो बिल्कुल ही खींच लेती है। कैसे चिपकाने चाहिए बैलून की, मतलब दीवारें खराब ना हो, ये बताना अगर आप में से किसी को पता हो तो, कोई ऐसा जुगाड़। चप्पल बैठ के नीचे क्यों घुसा देता है बेटा, चप्पल ले ले, आप चप्पल ले ले अपनी, कल शाम को यहाँ बैठती थी ना तब घुसा दी। आ जा, दूसरी वाली कहाँ है चप्पल, दोनों ले लो, उठा लो, चलो चलो। निकल चुके थे घर से ड्यूटी के लिए, अभी तो वैसे पहुंचने वाले हैं, बस 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। मौसम बड़ा अजीब सा हो रहा है, मतलब ना तो बिल्कुल छांव है और ना ही ठीक से धूप निकली हुई है। जो हल्की हल्की सी धूप हो जाती है ना, बिल्कुल हल्की हल्की सी, वैसा सा मौसम है। और घुटन वाली गर्मी हो रही है बहुत, मतलब पत्ता भी नहीं हिल रहा। जो ये आप खुद दिख रहे होंगे ना हल्के फुल्के, ये तो गाड़ियों की हवा से ही हिल रहे हैं, नहीं तो बिल्कुल घुटन वाली गर्मी हो रही है। अजीब सा मौसम है बेटा, ये मुंह में डालने का नहीं है, इसको बंद करो, इसको यहाँ से देखो ऐसे बंद करो, बंद करो कैप को, हाँ बंद करो, हाँ और दबाओ दबाओ, अच्छे से दबाओ, बंद नहीं हुआ अभी, बंद हो गया, दिखाओ अब हुआ है। क्या हो गया दिखाओ, क्या हो गया हाथ पे, कुछ भी नहीं हुआ। नोनू पहन के दिखाओ, देखो कहां तक पहनेगी इसको, बिल्कुल पीछे ले जाएगी। बाय कर दो, बाय, फिर मिलेगा फोन, मिलेगा फिर, बाय करो पहले फिर फोन मिलेगा, बाय बाय कर दो। नोनू का आ गया है खाना, ना 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 ना, चूरमा खाएगा नोनू। तो अभी हम भी खाना वाना खा लेते हैं, आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सारी वीडियोज का आपको पता लगता रहे। आज के लिए गुड नाइट, बाय बाय।